आप देख रहे हैं असल कौशल काटी और मैं हूँ आपके साथ दीपक शर्मा। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, करिए चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भव्या जैन और आप देख रहे झलको शेखावटी। जिले के नेमका थाना इलाके के सदर थाना अंतर्गत बुधवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने 5 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। घायल बच्ची को राजकीय कपिल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने डंपर मालिक को मौके पर बुलाने मुआवजे की मांग को लेकर करीब 3 घंटे रोड जाम कर प्रदर्शन कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर मामला शांत करवाया। जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय गोलू निवासी बाजड़ी जो गणेश्वर के काली काला अपने ननिहाल आई हुई थी, पड़ोस से एक छाछ लाकर सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची का हाथ धड़ से अलग हो गया। घायल को अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं डंपर मालिक को मौके पर बुलाने एवं मुआवजे की मांग को लेकर रोड जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर डिप्टी गिरधारी लाल शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और करीब 3 घंटे लोगों से समझाइश कर जाम खुलवाया। फिलहाल सदर पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। घटना को लेकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।